दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, फाइटर की डे 2 यानी कि कल रिपब्लिक डे की ऑफिशियल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ चुकी है और बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आया है। यानी कि इतना जल्दी ये ट्विस्ट देखने को मिल जाएगा, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। यानी कि मुझे पता तो था कि भाई ये सीन हर फिल्म के साथ होता है, इसके साथ भी होगा, बट भाई इतनी जल्दी मैंने ये नहीं सोचा था। तो क्या सारी ऑफिशियल कलेक्शन कंप्लीट मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दो मेरा भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको ट्विस्ट बताता चलूं। ट्विस्ट गाइस पता है क्या आ रहा है कि मेकर्स एंड ट्रेड दोनों की कलेक्शन में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है। जैसे भाई साहब, मेकर्स के अकॉर्डिंग डे 1 की ऑफिशियल नेट कलेक्शन हुई थी 24.60 करोड़ रुपए, एंड मेकर्स के अकॉर्डिंग कल रिपब्लिक डे पर जो ऑफिशियल कलेक्शन आई है वो आई है 41.20 करोड़। यानी कि 41 करोड़ पॉइंट की कलेक्शंस को फिलहाल हम साइड पे करते हैं, 41 करोड़ ऑफिशियल कलेक्शन आई है। दोनों का अगर दिनों का मैं मिलाऊं तो ये बनता है 65 करोड़। यानी कि पहले दो दिनों के अंदर मेकर्स के अकॉर्डिंग फाइटर 65 करोड़ की नेट कलेक्शन कर चुकी है। लेकिन अगर मैं ट्रेड में चलता हूं तो ट्रेड में थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई दे रहा है, डिफरेंस भी दिखाई दे रहा है और वो कलेक्शन भी चेंज आ रही है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो डे 1 के अंदर मेकर्स के कितने नंबर थे, 24.60 करोड़, ट्रेड के नंबर है 22.50 करोड़। यानी कि मेकर्स 2 करोड़ ज्यादा नंबर बता रहे हैं या दिखा रहे हैं, जो भी आप माने मान सकते हैं। सेम अगर मैं, अच्छा ये जब डे 1 के अंदर कल मैंने देखा ना, तो मैंने कोई बात इस पर नहीं की, मैंने बात इसलिए नहीं की, मैंने कहा यार मे बी ट्रेड से मिस्टेक हो गई हो, ट्रेड इसको बाद में ठीक कर दे। लेकिन अभी जब डे 2 की भी कलेक्शन कम आई है तो मैंने कहा यार ये आप लोगों को बताना जरूरी है। मैं ये बिल्कुल भी आपको नहीं बोलूंगा कि आप मेकर्स की नंबर माने या ट्रेड के माने, क्योंकि मैं तो हमेशा बोलता हूं कि ट्रेड के नंबर कम होते हैं, हम इन्हीं को मानकर चलते हैं, लेकिन मैं मेकर्स के नंबर्स ही मान के चलता हूं क्योंकि एट द एंड वही काउंट होते हैं। सो भाई साहब, मेकर्स के ट्रेड के अकॉर्डिंग डे 1 की ऑफिशियल नेट कलेक्शन 22.50 करोड़, एंड डे 2 कल रिपब्लिक डे की ऑफिशियल कलेक्शन आई है 39.50 करोड़। ट्रेड बता रहा है 41 पॉइंट समथिंग और भाई साहब मेकर्स बता रहे हैं 41 पॉइंट समथिंग, ट्रेड बता रहा है 39.50। मेकर्स के अकॉर्डिंग पहले दो दिनों की नेट कलेक्शन हुई थी भाई साहब 65 करोड़ रुपए, एंड ट्रेड अकॉर्डिंग हुई है 62 करोड़ रुपए। ज्यादा डिफरेंस नहीं है 2-3 करोड़ का, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि आगे आने वाले दिनों में ये डिफरेंस बढ़ ना जाए, जैसे डंकी के साथ हुआ। डंकी का भाई साहब, अच्छा डंकी की एक बात बहुत अच्छी थी कि उसका जो ये डिफरेंस स्टार्ट हुआ था मेकर्स की कलेक्शन में एंड ट्रेड की कलेक्शन में, ये डिफरेंस स्टार्ट हुआ था लगभग डे टेन के बाद बढ़ता गया। पहले 5-10 करोड़ का डिफरेंस आया, फिर 10 करोड़ तक चला गया, फिर 15 करोड़, फिर एट द एंड जब लाइफ टाइम कलेक्शन आई तब तक 20 करोड़ का डिफरेंस जा चुका था। तो ये तो फाइटर का जो डिफरेंस है भाई साहब मेकर्स वर्सेस ट्रेड की कलेक्शन के साथ, ये अभी डे 1 डे 2 में ही हो गया है। तो देखते हैं कि अपकमिंग डेज में क्या होता है। खैर, अगर मैं आपको भाई साहब ट्रेड के अकॉर्डिंग बताऊं, क्योंकि बहुत से भाई लोग दोस्त बोलते हैं कि मेकर्स को साइड पे करो, आप ट्रेड की ही बताया करो, तो ट्रेड के अकॉर्डिंग पहले दो दिनों की नेट कलेक्शन 62 करोड़ है, ये ग्रॉस बनी 74.40 करोड़, ओवरसीज से आ चुका है 21.60 करोड़, एंड टोटल हो चुका है 96 करोड़ रुपए। यहां पर सबसे पहले इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कल भाई साहब ओवरसीज कलेक्शन ट्रेड के अकॉर्डिंग आई थी 8 करोड़ और आज आई है 11.60 करोड़। मतलब कि कल रिपब्लिक डे पर बहुत अच्छी कलेक्शन आई है, दोनों दिनों का 21.60 करोड़ और टोटल 96 करोड़। नोट दैट ये ट्रेड के नंबर है, ट्रेड के अकॉर्डिंग ये फिल्म पहले दो दिनों में 96 करोड़ की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कर चुकी है। तो मतलब अगर मेकर्स पोस्टर देते हैं तो मेकर्स का पोस्टर डेफिनेटली 100 करोड़ क्रॉस होगा, 100 करोड़ क्रॉस होगा। यानी कि आप मान सकते हैं कि मेकर्स के अकॉर्डिंग ये फिल्म 100 करोड़ कमा चुकी है, ट्रेड के अकॉर्डिंग 96 करोड़ कमा चुकी है। एट द एंड मैं फिर आपको नहीं बोलूंगा कि भाई आप किसके नंबर माने, आपका जो दिल करता है आप उसके नंबर मान के चल सकते हैं, बट देखना इंपॉर्टेंट होगा कि अभी अपकमिंग डेज में क्या होने वाला है। बाकी आप लोग मुझे बताएं, आप लोग देख चुके हैं इस फिल्म को, नहीं देख चुके, देखने वाले हैं, क्या सीन है जरूर बताइएगा। ये तो बात हो गई भाई साहब किसकी, डे 2 की वर्ल्ड वाइड फाइनल ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। अब मैं थोड़ा डे 3
3 की भी आपको अपडेट बता दूं। आज भाई साहब डे 3 सैटरडे है, तो आज सैटरडे पर क्या कुछ कलेक्शन होने वाली है, कैसा रेस्पॉन्स आ रहा है, जरा वो देखिए। तो भाई लोग अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो सिर्फ मॉर्निंग की ऑक्युपेंसी आई है, तो मॉर्निंग की ऑक्युपेंसी 17% की आई है, यानी कि मॉर्निंग में इसके जो शो चल रहे हैं वो 17% की ऑक्युपेंसी के साथ चल रहे हैं डे 3 पे। डे 2 पे मॉर्निंग की ऑक्युपेंसी थी 23% एंड भाई साहब डे 1 पे मॉर्निंग ऑक्युपेंसी थी 12%, यानी कि डे 1 तो बहुत डाउन था, डे 2 का रिपब्लिक डे 23% बहुत अच्छा गया और आज भाई साहब लगभग ये जा रही है 17% पे। इन 2D अगर मैं 3D की बात करूं तो 3D पे भी लगभग 17.47% है। मैंने आपको क्या बोला, हिंदी 2D हिंदी 3D दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों की जितनी ऑक्युपेंसी आ रही है दूसरी की भी उतनी आ रही है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये चल रही है। अब अगर मैं आपको बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताऊं तो भाई साहब अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो बिल्कुल एग्जैक्टली 12 बज चुके हैं, जब आप वीडियो देखेंगे तो मे बी 12:30 1 बज रहा हो, तो भाई साहब एग्जैक्टली 12 बजे तक 4 करोड़ की ऑफिशियल नेट कलेक्शन हो चुकी है, 4 करोड़ की नेट कलेक्शन अभी दिन के 12 बजे तक, यानी कि एग्जैक्टली 12 घंटे और रहते हैं। तो भाई साहब नेक्स्ट मेजर 12 आवर्स रहते हैं इवनिंग, अभी आफ्टरनून में इस फिल्म को रेस्पॉन्स मिलना अच्छा हो जाएगा, फिर इवनिंग में, फिर नाइट में, तो अगर अभी 4 करोड़ हैं तो मेरी एक्सपेक्टेशन तो मॉर्निंग में यही थी कि भाई आज 30 करोड़ तक इस फिल्म को जाना चाहिए, यानी कि वैसे तो गाइज ये फिल्म आज 20 करोड़ प्लस जाती दिखाई दे रही है, लेकिन मैं पर्सनली मान के चल रहा था कि 30 करोड़ तक आज को जाना चाहिए। अगर ये 30 करोड़ तक चली जाती है तो भाई सब 65 करोड़ मेकर्स के नंबर आए हैं, 65 में 30 ऐड कर ले तो ये बन जाएगा भाई साहब लगभग 95, मे बी 100 करोड़ हो सकता है, लेकिन 100 करोड़ की पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही। हाँ कल संडे पर 100 करोड़ जरूर होगा। सो अब आप लोग मुझे बताओ आपके अकॉर्डिंग क्या ये फिल्म आज भाई साहब इजीली 30 करोड़ कर जाएगी या 30 करोड़ से कम करेगी या ज्यादा, नीचे बताइएगा। अभी तक के लिए इतना ही, होप्स आपको वीडियो पसंद करो, तो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अमेजिंग मूवी टू वॉच। कैसा लगा मूवी आपको? सिद्धार्थ आनंद का मूवी मुझे लग रहा था लाइक लास्ट 5-6 ईयर से जो चल रहा है, मतलब पार्ट 2 पार्ट 3 निकलता है, पर इस पार्ट में मतलब एक ही पार्ट जो फाड़ दिया पूरा। ऋतिक भाई क्या बॉडी बनाया, क्या बॉडी बनाया, लिटरली दीपिका पादुकोण का, दीपिका पादुकोण भी बहुत केमिस्ट्री, मतलब पहली बार देखा दोनों को मतलब सिनेमा में, तो लाइक दोनों का बहुत अच्छा लग रहा, मतलब केमिस्ट्री भी बहुत अच्छा लग रहा, हाँ स्टोरी लाइन भी बहुत अच्छा, लाइक स्टोरी लाइन बोलो बोलिए आप, एक्शन बोलिए सब भी बहुत, और ऋतिक भाई, ऋतिक मैं बहुत बड़ा फैन हूँ ऋतिक का, ऋतिक का फाड़ दिया। कैसा लगा मूवी? बस फैंटास्टिक, एक्शन पैक मूवी है, सब भर भर के जाके पेट्रियोटिज्म बहुत है, पेट्रियोटिज्म काफी है, कल रिपब्लिक डे का दिन आग लग जाएगा, वर्ल्ड का मोस्ट हैंडसम पर्सन एक्टर का ये है।